सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर और अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा ऊपर क्योंकि हम लोग उल्टा रास्ते से आ गए, तो अभी हम लोग को थोड़ी दिक्कत होने वाली है और हम लोग को अब पैदल चल के जाना पड़ रहा है। तो अभी यहाँ से जाएंगे और राइट पे किसी को पूछ के फिर अंदर चले जाएंगे, ठीक है। सो अभी आप लोग देख सकते हो ये हम लोग अभी टर्मिनल 2 पर आ चुके हैं और अभी हम लोगों को थोड़ा घूम कर आना पड़ा क्योंकि हम लोगों ने इस बार थोड़ी गलती कर दी, हम लोग उल्टे रास्ते से आ गए। तो अभी हम लोग जाएंगे इंडिगो के काउंटर की तरफ और हम लोगों ने ऑलरेडी चेक इन कर लिया, तो अभी हम लोग जाएंगे और वहाँ पे लगेज वगैरह देंगे। बाकी हर बार तो हम लोग का वज़न ज़्यादा हो जाता था लगेज का, तो इस बार बस वो ना हो क्योंकि फ़ाइन देकर फिर जाना पड़ता है। मुंबई का एयरपोर्ट आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा है। अरे यार शुरू हो गई थी ना सुबह सुबह, एक पैक लगा लेते क्या स्टारबक्स में जाना है या फिर उस पे जाना है, वही मरी थी उस पे चलते दारू पीना है सुबह सुबह। चलो यार कोई नहीं, मुझे कुछ खिलाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ दारू नहीं चलेगा। चलेगा ना करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत जल्दी आ गए थे हम लोग, क्योंकि सानवी को बड़ी जल्दी थी उसको जाने की, तो थोड़ा पहले निकल गए आज और अभी एक घंटा हमें वेट करना पड़ेगा। खा के लोग में ऐसा बोली प्रॉब्लम नहीं होगा, अरे घर वालों ने देखी है ना पड़ेगी अरे उसको आराम करना बोलते, थोड़ा इधर आराम कर लेते, पहली बार ये वर्ड सुना है सुस्ता। अरे यार सब बोलते तो ये ज़्यादा यूपी में चलता है, तो अभी थोड़ा यहाँ पे मतलब रेस्ट कर लेते हैं फिर जब हमारी बारी आएगी तो हम भी चलेंगे। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं गुवाहाटी पे और यहाँ से हम लोगों ने कैब ले लिया है आप देख सकते हो, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट चलेंगे लोखरा, और लोखरा पे एक दोस्त का घर है वहाँ पे हम लोग रुकेंगे और कल हम लोग एक साथ फिर गैंगटॉक के लिए निकलेंगे। तो अभी हम लोग हैं गुवाहाटी के सड़कों पर और अभी हम लोग जा रहे हैं फैंसी मार्केट, वहाँ से हम लोग थोड़ा ठंड का कपड़ा ख़रीदेंगे क्योंकि मुंबई से हम लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं ख़रीदा क्योंकि वहाँ पे इतना कलेक्शन नहीं था वहाँ का ठंड का मोमेंट। तो अभी रात के 8 बजे और हम लोग पहुँच चुके हैं गुवाहाटी स्टेशन पर और यहाँ से हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी का ट्रेन पकड़ेंगे और सीधे पहुँच जाएंगे न्यू जलपाईगुड़ी। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और यहाँ से हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा और तभी हम लोग को एक कैब वगैरह कुछ मिलेगा, तो हम लोग वहाँ से कैब लेकर डायरेक्ट चलेंगे गैंगटॉक। तो आप जब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर पहुंचते हैं तो आपको बाहर पे बहुत सारे कैब मिल जाएंगे और आप अगर चाहो तो आप बस भी ले सकते हो, आपको कम पड़ेगा। तो हमने स्टेशन के बाहर से हम लोगों ने कैब बुक कर लिया, तो इसमें हमें करीब 4 घंटा लगेगा और हमें पड़ी है उसकी 2000, आप चाहो तो बस भी ले सकते हो। तो ये अभी हम लोग गैंगटॉक की तरफ रवाना हो चुके हैं और आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे मतलब एक नेचर का अलग ही वाइब है और बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन आप अगर आते हो यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड के कपड़े लेकर आने पड़ेंगे। क्योंकि तो करीब 4 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग सिक्किम के अंदर घुसने वाले हैं और अभी यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही आड़े टेढ़े, तो मतलब बहुत थोड़ा तकलीफ़ हो जाती है क्योंकि अगर आप नॉर्मली ऐसे शहर से बिलोंग करते हो जहाँ पर ऐसे रास्ते नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। बाकी हो जाता है, जैसे अगर आप अच्छा गाड़ी लेते हो तो आपको कोई इशू नहीं होता है।
तो फाइनली भी हम लोग अपने रूम पर आ चुके हैं और आप देख सकते हो रूम बहुत ही अच्छा है और मतलब यहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते रूम मिल जाते हैं, आप चाहो तो महंगा भी रूम ले सकते हो। कैसा लगा रूम? हाँ, एमजी मार्ग में आप कहीं पे भी मतलब बहुत सारे होटल्स हैं तो आप कहीं से भी ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते होटल्स हैं और महंगे वाले भी है, अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, वो आपके ऊपर है। तो हमारे रूम से निकलते ही आपको रोड दिख जाएगा और यहाँ का स्ट्रीट कुछ इस तरह दिखता है और यहाँ पे मतलब अगर आपको अच्छे से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप मिजोरम या फिर शिलोंग पे हो। बाकी यहाँ के जो होटल्स है या फिर घर है वो मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही प्यारे प्यारे हैं और रोड भी यहाँ का बहुत ज़्यादा क्लीन है, आपको यहाँ पर लोग भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। जाओ दिखने तो लोग अगर यहाँ पे आप लोग ठंड के कपड़े लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, हुडीज़ या फिर ओवरकोट हो गया। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग मतलब बेंगोलीज कोलकाता के, क्योंकि कोलकाता पास है तो यहाँ पे कोलकाता से बहुत ज़्यादा लोग आए। तो हम लोगों ने लाल बाज़ार से थोड़ी बहुत ख़रीदारी की और अभी यहाँ पर हम लोग एमजी रोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्ट्रीट जैसा है, मतलब आपको लगेगा कि आपका ये फॉरेन कंट्री पर तो नहीं आ गया, मतलब इतना क्लीन और लोग हमेशा आपको ऐसे चलते फिरते दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पर हर टाइम भीड़ रहती है। तो आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे और फिर आज का वीडियो यही पे ख़त्म करेंगे, देखते कि यहाँ पे मतलब क्या क्या मिल पाता है। हम लोग मोमो खाने की सोच रहे हैं तो फिर देखेंगे यहाँ पर अगर अच्छा मोमो मिल जाता है तो हम लोग मोमो का दुकान लेके हम लोग मतलब वहाँ पे जाएंगे और मोमो वगैरह खाएंगे, वो वीडियो में भी देखेंगे। सो हम लोग एक होटल मिल चुका है, ये काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे मोमोज भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। बाकी बाहर में हम लोगों ने थोड़ा मोमो खाया लेकिन अच्छा नहीं लगा। सो गाइस अभी हम लोग रात के करीब 11:30 बज रहे हैं और हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आए हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा मोमोज वगैरह खाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने मोमो नहीं खाया। तो अभी यहाँ पे हम लोग बैठे हैं और मतलब आज मैंने एक चीज़ सोचा है कि मतलब यहाँ पे हम लोग करीब 4 से 5 दिन हैं सिक्किम में, तो अभी एक एक मतलब जिस स्पॉट पे हम लोग जाएंगे उस स्पॉट का अलग ब्लॉग बनाएंगे और उसके बाद वीडियो डालेंगे, तो ऐसा बेस्ट रहेगा, आप लोगों को देखने में भी आसानी होगी और मुझे भी मतलब मज़ा आएगा क्योंकि स्टोरेज में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए आज का जो वीडियो है ये है, हम लोगों ने वो एमजी मार्ग का जितना भी जगह था हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। कल हम लोग नॉर्दर्न साइड पर जाएंगे, तो नॉर्दर्न कल ईस्ट में जाएंगे ना, कल ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट और लोकल का पूरा कंप्लीट कर लेंगे कल और उसके बाद हम लोग जाएंगे नॉर्थ साइड पे, तो ईस्ट का वीडियो भी डालेंगे और फिर नॉर्थ का वीडियो अलग डालेंगे, तो ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी अगर गैंगटॉक आना चाहते हैं, सिक्किम आना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये वीडियो। कैसा है? सही नहीं है।